तो आज हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है कोविड यानी कि कोरोना वायरस। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या, आप सब लोग इस नाम से परिचित होंगे कि कोविड और यानी कि कोरोना वायरस क्या है। हमारा जो एक पैंडेमिक आया था उसमें से ये जो कोविड वायरस है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो हम जानेंगे कि ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप का वायरस है और इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, आप घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं वो आपको बताऊँगी। सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोविड-19 इज़ एन इंफेक्शियस डिजीज़ टाइप ऑफ पैंडेमिक डिजीज़ caused by a novel coronavirus, now called Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, यानी कि SARS-CoV-2, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आया था हमारा, ये चाइना के वुहान सिटी ह्यूबाई प्रोवेंस, चाइना के जो सबसे पहला फर्स्ट आइडेंटिफाइड रिस्पायरेटरी इलनेस, जो सबसे पहला केस हमें मिला था वो 2019 में मिला था। इसका कोविड-19 इसलिए नाम है क्योंकि वो 2019 में सबसे पहले उसका आउटब्रेक हुआ था, पहला केस जो है वो उसी टाइम में मिला था, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो हमें वो मिला इफेक्टेड इंसान वो चाइना से मिला, ठीक है, चाइना के वुहान सिटी से, ठीक है। कोरोना वायरस इट इज़ अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वायरस, ये जो क्या है आरएनए वायरस है एक तरह का, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, विथ अ न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ हेलिकल साइमेट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग आरएनए वायरस, ये सारे आरएनए वायरस में से सबसे बड़ा वायरस है, ठीक है। शेप क्लब शेप्ड स्पाइक्स, क्लब शेप्ड स्पाइक्स में क्या मतलब क्या हो गया, जो इसका ये शेप जो हो गया ये क्लब शेप्ड हो गया, इस स्पाइक्स का मतलब इसमें जो निकला हुआ है ये स्पाइक्स कहलाएगा, ठीक है। ये इसका कोरोना वायरस का शेप हो गया, ठीक है। जिसका साइज़ है वो अप्रॉक्स 26 to 32 किलो बेसिस है। फैमिली जो है इसका कोरोना विरिडाई है। क्लास जो है इसका पिसोनी विरिसेट्स है। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका वो 4000 KD, ठीक है। किंगडम ऑर्थोरोना विरई, सब फैमिली ऑर्थो कोरोना विरिनई और उसका सिनोनिम्स जो है वो कोरोना वायरस, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसका जेनेरा क्या है, तो जो अलग अलग कोविड के जो वेरिएंट्स आए हैं तो उसमें से एक अल्फा कोरोना वायरस हो गया, बीटा कोरोना वायरस हो गया, गामा कोरोना वायरस हो गया और डेल्टा कोरोना वायरस हो गया। तो ये सब जो वेरिएंट्स हैं कोविड के आ चुके हैं, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो यूजुअली 14 डेज का होता है, पर जो सिम्टम्स होता है वो 4 to 5 डेज में अपियर हो जाता है, ठीक है। पर 14 डेज तक एक इंसान कैरियर रह सकता है, उससे संपर्क में आने के बाद भी वो 14 डेज तक वो कैरी करता है, चाहे वो उस पर सिम्टम्स आए या ना आए, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शंस और ट्रांसमिशन, तो कोविड जो है वह स्प्रेड कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ठीक है। स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग एंड ऑल्सो बिकेन इन्फेक्टेड बाई टचिंग कॉन्टामिनेटेड सर्फेसिस एंड देन टचिंग फेस ईयर एंड नोज। तो जो इसका स्प्रेड होता है वो जो कॉमन चीज़ें होते हैं जहाँ पे किसी ने, जैसे टेबल हो गया या कोई चीज़ हो गया जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं, उसको एक इन्फेक्टेड इंसान ने छुआ, फिर दूसरे इंसान जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है वो उसको छूने के बाद में वो उसे इन्फेक्ट कर सकता है या कैरियर बन सकता है, उसके थ्रू दूसरों को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग, जब कोई लोग कफ करते हैं उसके आसपास में जो लोग होते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, उसका जो वायरस होता है वो घूम रहा होता है, तो ईजिली वहाँ पर आए हुए लोगों को, प्रेजेंट लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। ओल्डर पीपल्स एंड दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, डायबिटीज़, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज एंड कैंसर, वीक इम्यूनिटी आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस सीरियस इलनेस। तो जो भी, जैसे ओल्डर पीपल हो गए उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, वो ऑलरेडी वीक होते हैं तो वो कोई भी डिजीज से पहले सफ़र करेंगे। जो डायबिटीज़ होते हैं, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, जो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ होते हैं, कैंसर होते हैं, ये लोग जो ऑलरेडी सफरर होते हैं, इनकी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो ये ईजिली कोई भी जो न्यू वायरस होगा जो उनका बॉडी अडेप्ट नहीं किया होगा तो वो ईजिली अफेक्टेड हो जाएंगे उससे, ठीक है। इसका काउज और इटियोलॉजी आप सब जानते हैं। कोरोना वायरस, बेटा कोरोना वायरस है ओरिजिनेटेड इन बैट्स, जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था वो बैट से हुआ था, बेटा जो वेरिएंट है बेटा कोरोना वायरस वो बैट से आया था, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 साइन एंड सिम्टम्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज,
अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग अलग परसेप्टिबिलिटी होता है, तो उनकी इम्यूनिटी भी अलग होती है. तो हर किसी पे जो हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो हर इंडिविजुअल पे सिम्टम्स भी अलग अलग आते हैं. किसी में बहुत सीवियर सिम्टम्स आते हैं अगर उनकी इम्यूनिटी लो है, किसी की इम्यूनिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो उन पर सिम्टम्स उतना नहीं आएगा. ठीक है. यूजुअली पीपल विथ माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस कैन रिकवर एट होम. जब सिम्टम्स माइल्ड होंगे, मॉडरेट होंगे, तो आप घर पे भी रिकवर कर सकते हैं कुछ मेडिकेशन या होम रेमेडीज़ के साथ, जैसे कि स्टीम लेना, फर्दर प्रिकॉशंस लेना कि कोई ठंडी चीज़ें ना खाएं, ये सब चीज़ अवॉइड करके, घर में सेफ्टी से रह करके, अपना मास्क पहन के, आप उस चीज़ को धीरे धीरे रिकवर हो सकते हैं. पर्सन शुड सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इन केस ही और शी एक्सपीरियंसेस सीरियस सिम्टम्स. अगर किसी को सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले मेडिकल हेल्प सीख करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. क्योंकि एक एक्यूट डिजीज़ है. एक्यूट डिजीज़ का प्रॉपर्टी होता है कि वो आइदर अपने 2-3 दिन में खुद से रिकवर सेल्फ रिकवर कर लेते हैं इंसान, या तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी का लाइफ भी जा सकता है एक्यूट डिजीज़ में. ठीक है. तो इग्नोर नहीं करना है, जब भी ऐसा सीरियस सिम्टम्स आए तो आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लें. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कोविड में आते हैं आपको, जब कोरोना वायरस से आप सफ़र करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आपको फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस और वीकनेस, ये 4 सिम्टम्स जो है ये मोस्ट कॉमन, ये सबसे पहले आपको आएंगे. ठीक है. लेस कॉमन सिम्टम्स, एक्स एंड पेन, फीवर रहेगा, बॉडी पेन तो आएगा ही, डायरिया आपका, हेडेक हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये तो आपको बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को स्मेल नहीं आ रहा है. ए रैश ऑन स्किन, स्किन पे रैसेस हो सकते हैं. डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर और टोज का डिस्कलरेशन भी हो सकता है. लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़े, तो ये सब सिम्टम्स आपको आ सकते हैं. ठीक है. सीरियस सिम्टम्स जो जाए देखने को मिल सकता है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, ये जो सबसे ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स है, इसका मतलब ये हो गया कि या तो आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है. ठीक है. आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है कि आप ऑक्सीजन आपके अंदर में जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है. सबसे पहले ज़रूरत है कि उनको इमीडिएट हेल्प दिया जाए. ठीक है. चेस्ट पेन और प्रेशर, चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, ये भी एक सीरियस सिम्टम्स है. लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, या तो ऐसा हो जाए कि हाँ वो बोल नहीं पा रहा है या चल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक सीरियस सिम्टम्स है. ठीक है. तो जो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम लेंगे COVID-19 अगर आपको हो जाता है या ना हो, इस चीज़ों के लिए वियर अ मास्क. सबसे पहला जो ज़रूरी है आपको, जो फ्रंट में सबसे पहला बैरियर जो आपके बॉडी के लिए रहेगा, वो मास्क पहनना होगा. ठीक है. तो जब मास्क हम पहनेंगे तो हमारा जो नोज़ है और जो माउथ है, उसके थ्रू कम से कम वायरस जो है वो आपके बॉडी में एंटर नहीं करेगा. ठीक है. पीपल मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एज शुड वियर मास्क इन पब्लिक. जो 2 साल से ज़्यादा के लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, उन्हीं को हम मास्क देंगे. 2 साल से कम वाले बच्चों को नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है उनके बॉडी में, हो सकता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए. इसीलिए 2 साल से जो ऊपर के लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको हम मास्क रिकमेंड करेंगे, पहनना ही चाहिए. पीपल शुड कीप डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम ईच अदर, स्पेशली फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. जो स्ट्रेंजर्स है वो हो सकता है वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, तो कम से कम हम जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है जब ऐसे टाइम पे, वो 6 फीट की दूरी कम से कम आप उस इंसान से मेंटेन करें. क्या पता वो इन्फेक्टेड हो, वो उसकी कफिंग से या स्नीजिंग से वो आप इन्फेक्ट हो सकते हो. ठीक है. पीपल शुड टेक प्रिकॉशंस एंड वियर मास्क टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्प्रेड टू अदर्स इन केस समवन इन द हाउस इज इन्फेक्टेड. सिर्फ बाहर से नहीं, अगर आपके घर में भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे हम उनको जो है ठीक करना है, तो सबसे पहले उनसे भी कैसे बचना है, उनको भी आइसोलेट करके रखना है. ठीक है. जो आपका जो जनरल घर में सामान यूज़ होता है वो वगैरह, उनसे उनको दूर रखना है, ताकि सबके हाथ में वो ना लगे, सब लोग इन्फेक्ट नहीं तो कर सकते हैं. ठीक है. पीपल शुड वियर मास्क ओवर देयर, पीपल शुड वॉश देयर हैंड्स और यूज़ हैंड सैनिटाइजर बिफोर पुटिंग ऑन देयर मास्क. मास्क पहनने से पहले और मास्क पहन खोलने के बाद आपको हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो जब ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप मास्क एक यूज़ करते हैं तो आपका वो क्लीन होना ज़रूरी है, आपके हाथ जो वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए पहले उसको सैनिटाइज करना है हाथ को, उसके बाद मास्क पहनना है. जब खोलने भी जा रहे होंगे तो पहले हाथ सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही उसको खोलेंगे. ठीक है. People should wear mask over their nose and mouth and secure it under the chin.
कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मास्क वो बस नाम से पहन लेते हैं और माउथ उनका ओपन होता है, नोज़ ओपन होता है, तो ऐसे नहीं पहनना है। आपका जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा सेक्शन है, ये आपका ढका होना चाहिए अच्छे से, चिन तक आपका ये ढका होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, ताकि आपका माउथ और नोज़ जो हो पूरी तरह से सिक्योर हो, ठीक है। पीपल शुड फिट देयर मास्क स्नगली अगेंस्ट द साइड ऑफ द फेस, स्लिपिंग द लूप्स ओवर द ईयर्स और टाइंग द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द हेड। तो जब भी आप मास्क पहनेंगे, मास्क के अलग अलग टाइप्स हैं मार्केट में, तो कभी कुछ जो होता है वो कान के पीछे आप अपना स्लिप कर ले अच्छे से टाइटली, या तो फिर हेड में पीछे टाई कर ले। ऐसे क्या होगा, आपका मास्क लूज नहीं होगा, वो अच्छे से फिट रहेगा, ठीक है। पीपल शुड नॉट यूज अ मास्क विच दे नीड टू एडजस्ट रिपीटेडली और विच डज नॉट फिट प्रॉपरली। जब भी कोई मास्क आप पहने तो वो ध्यान रखें कि वो आपको बहुत अच्छे से फिट हो रहा होगा, लूज़ ना हो, क्योंकि आप बार बार उसको एडजस्ट करेंगे, आपका हाथ बार बार जाएगा, आपको बार बार उसको छूने पर उस क्या होगा कि आपके हाथ से या इन्फेक्शन आपके मास्क में जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। पीपल शुड मेक श्योर दैट दे कैन ब्रीद इजली आफ्टर वियरिंग मास्क। मास्क पहना इंपॉर्टेंट उतना ही है, पर आपका सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर ऑक्सीजन जाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि जब भी आप मास्क पहने आपका ऑक्सीजन अच्छे से जा रहा हो, आप अच्छे से ब्रीद कर पा रहे हो, ठीक है, सांस लेने में कोई और तकलीफ ना आ रहा हो, या अगर सफोकेट फील कर रहे हैं तो मास्क या तो चेंज करें या तो थोड़ी देर के लिए उतार दें, ठीक है। स्टे 6 feet अवे फ्रॉम अदर्स, जैसा कि मैंने बताया कि 6 feet की दूरी कम से कम रखनी है। Inside the home, people should avoid close contact with and keep at least 6 feet distance from the person who is sick and other household members. जो भी आपके घर में infected person है उनसे भी आपको 6 feet की दूरी बना करके रखनी है, और जो है वो भी सिक जो मेम्बर्स है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ठीक है। आप अलग रूम में उनको आइसोलेट कर दीजिए, आप अपने अलग दूसरे रूम में रहिए, और जो भी खाना देना है वो दूर से, जो भी आपको बात करनी है वो दूर से, क्योंकि क्या हो सकता है कि उनको अगर इन्फेक्शन होगा, वो खांसेंगे छींकेंगे तो आप भी इन्फेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। आउटसाइड द होम पीपल शुड कीप एट लीस्ट 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु डू नॉट लिव इन हिज और हर हाउस होल्ड। एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट एसिम्प्टोमेटिक पीपल कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कभी हम बाहर जाते हैं, कोई हम देखते हैं कि हाँ खांस रहा है, छींक रहा है, उनसे तो हम अवॉइड करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि जिनको नहीं हो रहा रखा है, जिनमें सिम्टम्स नहीं है, वो कैरियर नहीं हो सकते। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी जो क्या होगा वो कैरियर हो सकते हैं, उनसे उनको ना अफेक्ट करके हो सकता है वो आपको अफेक्ट कर दे, ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि उनसे भी दूरी बनाए रखनी है। गेट वैक्सीनेटेड। Authorized COVID-19 vaccines can help in protecting people from COVID-19. When people are fully vaccinated, they can continue doing things which they stopped because of the pandemic. वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में। बहुत सारे अपना अपना वैक्सीन आपको आ गया है कि हाँ 2 महीने का या 3 महीने का या 1 month पे लेने का, आप उसको पूरा वैक्सीन ले, जो भी 2 डोज है 3 डोज है, वो आपको वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लेंगे तो आप में सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ सिम्टम आएंगे, माइनर सिम्टम्स आएंगे और आप ठीक हो जाएंगे, या तो फिर कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, पर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, आपकी जान उससे नहीं जाएगी। तो गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। और जो भी काम जिस वजह से रुक गया था, जैसे कई जगह पे आपका काम ये था कि मतलब अगर ऐसा वैक्सीन आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो जब आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे आप इजीली उस प्लेस पे जा सकते हैं या कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड है तो, ठीक है। अवॉइड गॉन्स एंड पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस ओपन एयर। तो जो भी पुअरली स्पेस्ड होता है, जैसे कि कोई बंद कमरा हो गया, जो नैरो जगह हो गया, तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन या एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, तो वहाँ एयर वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से आपको अलग हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो सकता है, तो वैसे जगह को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। वॉश हैंड्स ऑफन। हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना तो ज़रूरी है, पर हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है, वो सबसे इफेक्टिव है। तो सबसे पहले जानेंगे, पीपल शुड वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस और आफ्टर ब्लोइंग नोज, कफिंग और स्नीजिंग। तो हैंड वॉश का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप उसको हाथों को 20 सेकेंड तक धोएं, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टली आपके बॉडी के लिए रहे,
ठीक है। तो जब भी आप कभी पब्लिक प्लेसेस से आते हैं, बाहर से आप आते हैं, घर जाने से जाने के बाद आप एक बार हैंड वॉश जरूर करें, या बाहर कहीं कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम्स हो गया या कुछ भी पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप कोशिश करें कि आप कुछ फ्रीक्वेंटली नहीं पर कम से कम दिन में कई बार 3-4 बार आप हैंड वॉश ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपके थ्रू किसी और को ना स्प्रेड होगा ना आप किसी और से इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। पीपल बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड, जब खाना खाने से पहले हाथ धोना तो वैसे भी ज़रूरी है, ये सब जानते हैं कि हाथ धोना ही चाहिए खाना खाने से पहले। जब खाना बनाने जा रहे हो आप तब भी हाथ धोएं, क्योंकि आपके हाथों से गंदगी आपके खाने में जा सकती है, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम, ठीक है, तो रेस्ट रूम यूज़ करें, जब भी वॉशरूम यूज़ करें तो ज़रूरी है कि हैंड वॉश आप ज़रूर करें। बिफोर टचिंग फेस, आप अपने फेस को टच करें तो कभी भी गंदे हाथों से टच ना करें। फेस जो है आपका बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, आप उसके थ्रू आपके अंदर में बैक्टीरिया वायरस जा सकता है, तो हैंड वॉश उस लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर लीविंग अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस से कभी भी आप जाएँ, दोस्तों से मिले हैं, लोगों से मिले हैं, सोशल कोई भी गैदरिंग से में आप गए हैं, तो वहाँ से निकले तो आप हैंड वॉश ज़रूर करें, ठीक है। आफ्टर ब्लोइंग नोज, कफिंग और स्नीजिंग, जब भी अगर आपको कफिंग कफ हो बहुत ज़्यादा या स्नीजिंग आ रहा हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने थ्रू किसी को इन्फेक्ट कर दे, तो आप हाथ रख करके छींकते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो हाथ उसके बाद ज़रूर धोए, हैंड वॉश करो ज़रूर। आफ्टर हैंडलिंग द मास्क, मास्क जब भी आप बहुत लंबा टाइम यूज़ करते हैं, आप बाहर पब्लिक से आए होते हैं, तो जब मास्क यूज़ करते हैं तो मास्क को उतारने के बाद में आप हैंड वॉश ज़रूर करें, क्योंकि आपका मास्क में हो सकता है कि बैक्टीरिया वायरस हो, तो आप उसके बाद में हाथ ज़रूर धोएं, ठीक है। आफ्टर चेंजिंग अ डायपर, अगर बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करने के बाद में, तो उसके बाद आप ज़रूर ही हैंड वॉश करें, ठीक है, ये एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करने का तरीका, ठीक है। आफ्टर टचिंग एनिमल्स और पेट, हैंड सैनिटाइजर कंटेनिंग एटलीस्ट 60% एल्कोहल कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ सोप एंड वाटर। तो जो भी आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं उसमें कम से कम 60% एल्कोहल ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज आप हैंड वॉश करें। कोई भी पेट को, कितने लोगों को होता है पेट से बहुत प्यार होता है, तो वो कहीं भी रास्ते चलते हुए कुत्तों को बिल्लियों को आप हाथ लगाते हैं, तो ऐसा अवॉइड करें, या तो आप यूज़ उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें, या हैंड वॉश ज़रूर करें, ठीक है। जब भी आप किसी कांटेक्ट में आते हैं कोई सिक पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन से आप हॉस्पिटल मिलने जाते हैं या मिल करके आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप जब मिलने जाएं तब भी हैंड वॉश करें या हैंड सैनिटाइज़ करें, या मिल करके आए तो ज़रूर आप बात ले ले तो बहुत अच्छा है, पर हैंड सैनिटाइज़ कम से कम ज़रूर करें, ठीक है। कवर कफ्स एंड स्नीजिंग, इफ पीपल आर वियरिंग अ मास्क दे कैन कफ और स्नीज इन देयर मास्क, रिमूव इट एंड वियर अ न्यू क्लीन मास्क इमिडिएटली एंड वॉश देयर हैंड्स। तो जब भी आप कोई मास्क यूज़ करते हैं, मास्क भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ रियूजेबल होते हैं, कुछ यूज एंड थ्रो होते हैं, वो वन टाइम यूज़ करने के लिए होता है, तो आप जब भी मास्क पहने तो ऐसा जब खांसने आप उसमें खांसे होते हैं, छींके होते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप उस मास्क को या तो थ्रो कर दें, आप उसे फेंक दें, या तो अगर दोबारा यूज़ करने से पहले आप उसको वॉश करें, ठीक है। बार बार एक ही मास्क को यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट हाईली टच सर्फेसिस, टेबल्स, डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, काउंटर टॉप्स, हैंडल्स, डेस्क, फोन्स, कीबोर्ड्स, टॉयलेट्स, फॉसेट्स एंड सिंक्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। जो भी आपके घर में या आपके ऑफिस एरिया में जो भी है, टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, डोर नॉब्स हो गया, या फिर सिंक्स हो गया, टॉयलेट्स हो गया, ये सब जो क्या हो गया, क्लीन होना चाहिए, रेगुलरली क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्ट उनको करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि घर में भी आपके लोग कोई इन्फेक्टेड हो तो हो सकता है कि वो इन्फेक्ट हो जाए जो नहीं भी, जो हेल्दी हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बार बार लोग टच करते हैं, डोर नॉब्स है आप खोलने के लिए बार बार यूज़ करते हैं, जो टॉयलेट्स होता है उसमें जो टैप्स होते हैं, नल्स होते हैं, वो बार बार छुए जाने पे हो सकता है कि आपको इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे से भी। तो ये सब चीज़ जो है रेगुलर बेसिस पे क्लीन होना चाहिए। इन केस द सर्फेसिस आर डर्टी, पीपल शुड क्लीन इट विद डिटर्जेंट और सोप एंड वाटर प्रायर टू डिसइन्फेक्शन। जो भी है साफ़ करने के लिए हमारा डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, अलग अलग मार्केट में अलग अलग डिसइन्फेक्टेंट्स आ चुके हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करें और उससे डिसइन्फेक्ट करके आप अपने इन्वायरमेंट को सही रख सकते हैं, ठीक है।
तो आज हमने जाना कि कोविड 19 क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कैसे बच जा सकते हैं, आप घर में भी कैसे बचाव कर सकते हैं, किन मेज़र्स को ले करके आप चल सकते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ हो और आप अपने फ्रेंड्स को या बाहर किसी लोगों को इन्फेक्ट ना कर दे, आप खुद से भी अगर आप कैरियर है तो। ठीक है, थैंक यू।